आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम टेस्टी और मज़ेदार चिकन पॉप्सिकल की रेसिपी। सिर्फ 200 ग्राम चिकन से इतना टेस्टी स्नैक्स बनेगा जो बच्चे बड़े सबको भाएगा। घर में ही रखे कुछ सामान से हम इसको बना सकते हैं एकदम आसान तरीके से, और हम इसको 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर इस टेस्टी से मज़ेदार चिकन कबाब पॉप्सिकल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज बनाएंगे एकदम टेस्टी और मज़ेदार चिकन कबाब पॉप्सिकल। यहाँ हमने 3 आलूओं को बॉईल करके लिया है। वेट में ये आलू 500 ग्राम है। अब हम इनको मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इनको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। आलूओं को हमने मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे 200 ग्राम बॉईल किया हुआ चिकन। तो चिकन को हमने बॉईल करते वक्त इसमें थोड़ा सा नमक और आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको शेड कर लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ और एक बड़ी शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई। आप चाहे तो इसके अलावा कोई और वेजिटेबल भी इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ हमने ब्रेड की 4 स्लाइस ली है। आप चाहे तो आपके पास बची हुई लेफ्ट ओवर ब्रेड हो तो वो भी आप ले सकते हैं। इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और मिक्सिंग जार में डालकर हम इसको पीस लेंगे। देखिए, हमने इसको जार में डालकर पीस लिया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो आधा ब्रेड क्रम हम इसमें डाल देंगे और आधा हम इसके ऊपर कोट करने के लिए बचा लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे आधा टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने इसमें आधा टीस्पून चाट मसाला भी डाला है, वो हम आपको बताना भूल गए हैं, तो आप इसमें ज़रूर से ऐड कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक डो जैसा बना लेंगे। देखिए, इसका एक टाइट डो बना लिया है और अब ये तैयार है। तो अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे और इसका एक पोर्शन लेंगे और हाथों से गोला बनाते हुए इसको देखिए इस तरीके से दबाते हुए हम एक स्टिक लेंगे। देखिए, ये जो आइसक्रीम की स्टिक है ना, ये आसानी से मिल जाती है मार्केट में, और ये लगाएंगे इसमें और इसको हाथों से दबाते हुए प्रेस करते हुए इसको पॉप्सिकल का शेप देंगे। नीचे से किनारे से दबाते हुए भी हम इसको प्रेस कर देंगे और अच्छे से सेट करेंगे। देखिए, ऐसे शेप देकर हम इसको बनाकर रखते जाएंगे ट्रे में। और अगर आपके पास में स्टिक नहीं है या ख़त्म हो गई है तो आप इसको इस तरीके से ओवल शेप में भी बना सकते हैं। तो ये सारे पॉप्सिकल को हमने बना करके ट्रे में रख दिया है और जो बचे थे उसको ओवल शेप में हमने बना लिया है। यहाँ एक बाउल लेंगे और इसमें अंडे को तोड़कर डालेंगे। 1 से 2 पिंच नमक डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दूध। और इसको एक चम्मच से अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए, इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम लेंगे पॉप्सिकल और इसको अंडे के बैटर में डीप करेंगे। अंडे के बैटर में डीप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम लगाएंगे। ऊपर से इसके ऊपर ब्रेड क्रम डालेंगे और इसको हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस वक्त चाहे तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं पूरे 15 से 20 दिन के लिए।
देखिए हमने सारे पॉप्सिकल को अंडे से और ब्रेड से कोट कर लिया है। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और एक एक पॉप्सिकल को इसमें डालते जाएंगे। इसको डालते साथ ही हमें इसको छेड़ना नहीं है, पहले हम इसको अच्छे से सेट होने देंगे, इसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। देखिए नीचे से इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसको पलट देंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए इन पर एकदम बढ़िया कलर आ गया है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। सारे ही पॉप्सिकल को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। दूसरे बैच को भी हम तेल में डालेंगे और ऐसे ही फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। सारे पॉप्सिकल को हमने फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार एकदम क्रिस्पी ये बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप इसको रमज़ान में इफ्तार की दावतों में बनाइए या ईद के मौके पर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और हमें कमेंट कर बताइए कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।